गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, पहला है वार्नर का श्रेणी विभाजन। पहला कौन सा है? वार्नर का श्रेणी विभाजन। वार्नर का श्रेणी विभाजन क्या कहता है? जिसपे उसने मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के रूप में बांटा है, जैसे कि सामान्य स्वास्थ्य वाला मनुष्य, दूसरा सामान्य स्वास्थ्य वाला मनुष्य, सामान्य रूप से अविकसित, और उसने बांटा है कुपोषित स्नायुक, और उसने किसमें बांटा है इसको? अपंग पिछड़ा हुआ, अपंग व्यक्ति, पिछड़ा हुआ, मंद बुद्धि मृगी वाला, और चतुर। ये जो विभाजन किया है व्यक्तित्व का, कि व्यक्तित्व किस किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि सामान्य स्वास्थ्य वाला मनुष्य, सामान्य रूप से अविकसित, कुपोषित, स्नाविक, अपंग, पिछड़ा हुआ, मंद बुद्धि, मृगी वाला और चतुर व्यक्ति, ये विभाजन किसने किया है? वार्नर महोदय ने दिया है। अब है अगला क्रेचमर महोदय। क्रेचमर का वर्गीकरण क्रेचमर महोदय क्या कहते हैं? क्रेचमर महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? उन्होंने चार भागों में बांटा है। एस्थेनिक को और क्या कहते हैं? लेल्टोसोमिक या दूसरा एथलेटिक। तीसरा उन्होंने कहा है पिकनिक, और चौथा है डिसप्लास्टिक। चौथा उन्होंने क्या बोला है? डिसप्लास्टिक। क्रेचमर ने व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा है, एस्थोनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिसप्लास्टिक के अंदर। अब उसके बाद में आता है थॉर्नडाइक महोदय ने क्या बताया है? व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है, स्थूल विचारक, नंबर दो प्रत्यय विचारक, और तीसरा क्या बोलता है? स्थूल विचारक आ गया, सूक्ष्म विचारक। थॉर्नडाइक महोदय जो है व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताते हैं? तीन प्रकार बताते हैं, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यय विचारक।
अब उसके बाद में आते हैं सेल्डन, सेल्डन महोदय आते हैं। सेल्डन महोदय, सेल्डन महोदय कहते हैं कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये तीन भागों में बांटते हैं। यहां से दिखेगा नहीं आपको, एक नंबर एंडोडर्म, एंडोडर्म, दूसरा उन्होंने दिया है मेसोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरा उन्होंने क्या कहा, क्या कहा है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। उन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए, सेल्डन ने तीन प्रकार बताए, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म का मतलब क्या होता है, कोमल तथा गोल शरीर वाले व्यक्ति, कोमल तथा गोल शरीर वाले व्यक्ति, कोमल तथा गोल शरीर वाले मोटे व्यक्ति। एंडोडर्म का मतलब क्या होता है, जो कोमल होते हैं और गोल मोटोल शरीर होता है और मोटे व्यक्ति होते हैं, तो उनको क्या बोला है उन्होंने, एंडोडर्म बोला है। किसने बोला है, सेल्डन महोदय ने। और मेसोडर्म किसको बोला है, हष्ट पुष्ट व्यक्ति को बोला है, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, हष्ट पुष्ट, हष्टपुष्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति हष्टपुष्ट होगा उसको क्या बोला है, मेसोडर्म। और शक्तिहीन जो होगा, जो शक्तिहीन दुबले पतले व्यक्ति होगा उनको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, शक्तिहीन, शक्तिहीन, या इसको कह सकते हैं दुबले पतले, दुबले पतले व्यक्ति। जो व्यक्ति दुबले पतले होंगे, थके हुए, शक्तिहीन होंगे, तो उन्होंने क्या बोला है, एक्टोडर्म बोला है। आप इनको लिख लो तब तक, अच्छा अब ये हो गया होगा कि अब बात करते हैं अपने टर्मेन का वर्गीकरण। नेक्स्ट है अपने टर्मेन का वर्गीकरण, टर्मेन का वर्गीकरण। टर्मेन महोदय क्या कहते हैं, टर्मेन महोदय अमूर्त विचारों की बात करते हैं बुद्धि के अंदर, और टर्मेन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था। और लेकिन ये व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं, टर्मेन महोदय व्यक्तित्व के बारे में इनका वर्गीकरण इन्होंने क्या दिया है, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, और उन्होंने क्या बोला है, प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि, और त्रिव बुद्धि, सामान्य बुद्धि, त्रिव बुद्धि, सामान्य बुद्धि, त्रिव बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, निर्बल बुद्धि, मंद बुद्धि, निर्बल बुद्धि, निर्बल बुद्धि, और सबसे लास्ट में मूर्ख, मूर्ख, मूड और जड़, मूर्ख, मूड और जड़। टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि की परिभाषा अमूर्त विचारों के बारे में जो सोचने की योग्यता है वही क्या है, बुद्धि है। अपन ने पढ़ा था, बुद्धि वाले टॉपिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे बुद्धि वाले वीडियो को देख ले, आई बटन के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। और ये टर्मेन ने वर्गीकरण दिया है व्यक्तित्व का। इसके बाद में कौन आते हैं, जेम्स का श्रेणी विभाजन, जेम्स का श्रेणी विभाजन। जेम्स महोदय ने
व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? दो प्रकार के बांटा है, नर्म प्रकृति के व्यक्ति और सख्त प्रकृति के व्यक्ति। नर्म प्रवृत्ति वाले और दूसरे हैं सख्त सख्त प्रवृत्ति के। जेम्स महोदय ने दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं कि व्यक्तित्व के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर्म प्रवृत्ति वाले और एक सख्त प्रकृति वाले। अब इसके बारे में अगले आगे बात करते हैं अपन। केटल महोदय का वर्गीकरण, केटल का वर्गीकरण, केटल का वर्गीकरण, केटल महोदय ने व्यक्तित्व के दो भाग दो प्रकार बताए हैं, वेगवान और वेगहीन। इन्होंने कितने बताए? वेगवान और वेगहीन, वेगवान और वेगहीन। आप तब तक ये लिखो, मैं तब तक इसके अंदर इंक डालता हूं। ये हो गया होगा आपके, अपन आगे बढ़ते हैं। अब है यूंग का वर्गीकरण। यूंग महोदय ने इसको क्या बताया है? अपने 8 नंबर पे है यूंग का वर्गीकरण। यूंग का यूंग महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? यूंग महोदय ने तीन प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तीन प्रकार बताए इन्होंने। नंबर एक अंतर्मुखी, नंबर दो बहिर्मुखी और तीसरा इन्होंने बताया है उभयमुखी। ये तीन प्रकार यूंग महोदय ने बताए हैं। और अगला वर्गीकरण है हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेटस महोदय ने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। इन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण, व्यक्तित्व का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस महोदय ने, हिप्पोक्रेटस महोदय ने दिया था। और उन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे, आशावान, विषादी और क्रोधी। नंबर एक आशावान, नंबर दो विषादी और तीसरा क्रोधी। ये तीन प्रकार बताए थे उन्होंने व्यक्तित्व के। अब है व्यक्तित्व मापन की विधियां, आप इनको लिखो। अब अगला टॉपिक है अपना व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां,
अगला है अपना टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है व्यक्तिनिष्ठ विधि, नंबर वन व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ विधि या इसको कह सकते हैं अपन अंतरंग विधियां भी कह सकते हैं, इसको अंतरंग विधियां। दूसरा है वस्तुनिष्ठ या बहिरंग विधि, वस्तुनिष्ठ या बहिरंग। और तीसरे नंबर पर है प्रक्षेपण विधियां, कौन सी विधियां, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण विधियां। और चार नंबर पर है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, मनो विश्लेषणात्मक विधियां। व्यक्तित्व मापन की मुख्यतः चार विधियां हैं, नंबर वन व्यक्तिनिष्ठ विधि या अंतरंग विधियां, वस्तुनिष्ठ या बहिरंग विधियां, प्रक्षेपण विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। अब अपन एक एक की बात करते हैं। पहले हैं व्यक्तिनिष्ठ या अंतरंग विधियां, आत्मचरित्र लेखन, इसके अंदर कौन कौन सी विधियां हैं, आत्मचरित्र, आत्मचरित्र लेखन, आत्मचरित्र लेखन विधि या कथन विधि भी कह सकते हैं इसको, व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। और तीसरी है प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि। और नेक्स्ट है इसके अंदर भेंट या साक्षात्कार विधि, भेंट या साक्षात्कार। ये जो विधियां है व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, अंतरंग विधियां भी कहते हैं इसको, व्यक्तित्व मापन की, आत्मचरित्र लेखन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, भेंट या साक्षात्कार विधि, ये जो है अंतरंग विधियां हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ या बहिरंग विधियां कौन कौन सी हैं, इसके अंदर आएगी पहली आएगी शारीरिक विधि, शारीरिक विधि, शारीरिक विधि। दूसरी आएगी इसके अंदर मापन रेखा विधि, मापन रेखा विधि। और उसके बाद में आएगी समाज रेखाचित्र विधि, समाज रेखाचित्र विधि। उसके बाद में आएगी निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। ये जो विधियां हैं वो वस्तुनिष्ठ या बहिरंग विधियां हैं, शारीरिक विधि, मापन रेखा विधि, समाज रेखा चित्र विधि, निरीक्षण विधि, ये सारी विधियां हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। इसके बाद में प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण विधियों के अंदर होगी रोसा परीक्षण, सबसे पहला तो क्या होगा रोसा परीक्षण, हरमन रोसा ने दिया था रोसा परीक्षण। ये जो रोसा परीक्षण है किसने दिया था, हरमन रोसा ने दिया था, किसने दिया, हरमन रोसा ने दिया था, हरमन रोसा ने ये परीक्षण दिया था, रोसा परीक्षण हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। और इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक
पक्षों का अध्ययन। हरमन रोसा ने परीक्षण किया था, ये प्रक्षेपण विधियां हरमन रोसा की है, और इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है इसके अंदर प्रासंगिक बोध परीक्षण, इसी का है, ये प्रक्षेपण विधियों का ही है। दूसरा है प्रासंगिक बोध परीक्षण, प्रासंगिक बोध परीक्षण, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। प्रासंगिक बोध परीक्षण जो है मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था, किसने दिया था, मुर्रे व मॉर्गन महोदय ने दिया था, 14 वर्ष से अधिक आयु के लिए। चौदह वर्ष से अधिक आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए उन्होंने दिया था प्रासंगिक बौद्ध परीक्षण, और इसको टेट भी कहते हैं, टेट, जो किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। और इसके बाद में आता है तीसरा, बालकों का बौद्ध परीक्षण, ये इसी का पार्ट है। तीसरा बालकों का बौद्ध परीक्षण, तीसरा बालकों का बौद्ध परीक्षण जिसे सी ए टी ऐसा भी बोलते हैं इसको, एट, ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए ये किसने दिया था, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। 14 वर्ष से कम आयु के बालक। ये लियोपोल्ड बेलक के द्वारा तैयार करता बालकों का बौद्ध परीक्षण 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, और ये दिया गया था 14 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए दिया गया था प्रासंगिक बौद्ध परीक्षण। अब आता है मनोविश्लेषण विधियां। मनोविश्लेषण विधियां के अंदर है नंबर 1 स्वतंत्र एवं साहचर्य विधि, स्वतंत्र साहचर्य। उसके बाद में स्वप्न विश्लेषण। और तीसरा इसके अंदर दिया गया है सम्मोहन। ये मनोविश्लेषणात्मक विधियां थी जो व्यक्तित्व के मापन की थी। देखो आप इनको, थोड़ा सा टॉपिक अपना रह गया है, अपन मैं इसको रफ कर देता हूं तब तक। अब बात करेंगे अपन व्यक्तित्व के अध्ययन की विचारधाराएं, व्यक्तित्व के अध्ययन की विचारधारा। व्यक्तित्व के अध्ययन की विचारधाराएं क्या क्या हैं? सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तीन प्रकार है इसके अंदर,
तीन प्रकार हैं। नंबर एक मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? फ्रायड महोदय ने दिया था, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने दिया था। दूसरा है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, दूसरा है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मैकडूगल महोदय ने दिया था। मैकडूगल महोदय ने दिया था। और तीसरा है विशेषक सिद्धांत, जो किसने दिया था? अल्पर्ट महोदय ने। विशेषक सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? अल्पर्ट ने। विशेषक सिद्धांत दिया है अल्पर्ट महोदय ने। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो होती है वो ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, और उसी को उसने, फ्रायड ने क्या नाम दिया है? मूल प्रवृत्ति कहा है, और उससे फ्रायड ने क्या कहा है? लिबिडो नाम दिया है। फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्ति है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया। क्या नाम दिया? लिबिडो नाम। सिगमंड फ्रायड जो महोदय हैं, उन्होंने जो मूल प्रवृत्ति होती है, यौन मूल प्रवृत्ति है, जिसे लिबिडो नाम दिया है। कौन सी मूल प्रवृत्ति है? यौन मूल प्रवृत्ति। और इसको क्या नाम दिया है? लिबिडो नाम दिया गया है। और मूल प्रवृत्तियों के प्रकार कितने हैं? दो हैं मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्ति के प्रकार कितने हैं? दो हैं। नंबर वन जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, इसके अंदर होता है यौन वृत्ति और आत्मरक्षा। इसके दो पार्ट है, आत्मरक्षा वृत्ति, और इसके भी दो पार्ट है, युयुत्सा और घृणा। युयुत्सा, युयुत्सा और घृणा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना व्यक्तित्व का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।